जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन व शोभा यात्रा के निकलने वाले मार्ग बख्शीपुर नकास रेती चौक घंटाघर महेवा चुंगी एकला बंदा होते हुए मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद में शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है। जगह जगह पर माता दुर्गा की प्रतिमा को बैठाया गया है। त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है। सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन व शोभा यात्रा को संपन्न कराने के लिए बाहरी जिलों के फोर्स के साथ एसएसबी जवानों को भी बुलाया गया है। अगर कहीं पर भी कोई अराजक तत्व त्योहार में किसी तरह का खलल डालता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रोअर ने कहा, देखिए जैसा कि सभी को अवगत है, नवरात्रि और दुर्गा पूजा का त्योहार इस समय पर चल रहा है। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है। इसके साथ साथ जो विसर्जन जो जुलूस है उनके जो मार्ग हैं, आज हमारे और डीएम साहब द्वारा शहर का जो मुख्य मार्ग है उसका भ्रमण किया जा रहा है। हमारे साथ जनपदीय पुलिस के साथ साथ एसएसबी की भी फोर्स हमारे साथ है। पूरे रूट को कैसे सुरक्षित और सुगमता पूर्वक श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए और आयोजकों के लिए सकुशल संपन्न इस त्यौहार को कराया जाए, इसके लिए उनके साथ समन्वय भी बनाया जा रहा है, संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। जो अराजक तत्व है उनकी गतिविधियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया टीम हमारी एक्टिव है, 24 घंटे इस चीज के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मुझे पूरी आशा है कि सुरक्षा के सुदृढ़ घेरे में ये पूरा जो त्यौहार है वो संपन्न कराया जाएगा। देखिए जहां जहां आवश्यकता है हमारे पास जनपदीय पुलिस के अलावा एसएसबी की फोर्स आई है, गैर जनपद से भी फोर्स आया है, सभी आयोजनों को सकुशल संपन्न कराया जाएगा।